तो दोस्तों अभी हम आ गए थे कॉलेज ग्राउंड से सीधा श्री देव खंडेराव मंदिर। तो देख सकते हैं ये है मंदिर पीछे, और यहाँ पर भट्टियों में से आदमी निकलते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मेरी एक साल पहली वीडियो में। तो यहाँ पर लग रहा है मेला, एक ये जो कि 15 दिनों का मेला लगने वाला है। तो यहाँ से निकलते हैं, इसमें अंगारी रहते हैं और आदमी निकलते हैं बहुत सारे, वहाँ तक खुद नहीं है भटिया, मिनिमम कम से कम 250 भटियाँ हैं, 250 आदमी एक दिन में निकलते हैं। इनके निकलने का समय 12 बजे है, दोपहर में 12 बजे निकलते हैं। तो अभी देखते हैं मेला में और यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए और निकलने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। 1 साल पहले से 2 साल पहले से पर्ची कटना चालू हो जाती है। निकलने के लिए स्पेशल वस्त्र पहनते हैं आदमी, और बहुत ही मेला भरता है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं मेले में क्या क्या है, क्या झूला वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सब देखते हैं। अभी ये मंदिर है अपना, देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें भी लग चुकी हैं, ये पीछे देख सकते हैं पीछे साइड दुकानें भी लग चुकी हैं। तो देख सकते हैं तैयारी यहाँ की। यहाँ भैया से पूछते हैं, भैया मेला कब से चालू होना है? कल से होना भैया, कल से होना है। भैया आप काय की दुकान की है यहाँ पर? प्रसाद की करता है भाई। प्रसाद की दुकान, यहाँ आप परमानेंट रहोगे? हाँ परमानेंट। तो जिस किसी को भी प्रसाद लेना है तो इनकी दुकान से ले सकते हैं। और अभी और भी दुकान में सामान रहेगा, इनका नारियल वगैरह रखा है अभी। अभी सब रखा जाएगा सामान, अभी कम रखा है। हाँ, और सामान पूरी पूजन का सामान मिल जाएगा, पूरा पूजन का सामान यहीं मिल जाएगा। जस्ट ही मंदिर की जस्ट ही बाजू में दुकान है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर और भी दुकानें लगी हुई हैं, और भी देखते हैं सब। जी हमारे हनी भाई के साथ में आए थे, बन जाएगी भैया गाड़ी की लाने, नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारी दुकानें लग चुकी हैं। यहाँ पर ये झूला भी लगना है अभी, यहाँ इसका, यहाँ भैया रोको थोड़ी, यहाँ हम यहाँ पर रोको, बता देते हैं कि इसका भी स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मंदिर से सीधा जस्ट आएंगे, यहाँ पर झूला लगना अभी बाकी है, अभी झूला लग रहा है, काम लगा हुआ है यहाँ का झूला लगने का। तो ये कल तक रेडी हो जाएगा, और कल से भाई मेला चालू हो जाएगा 18 तारीख से। फिर क्या, ये आप ही का झूला है, सुनो सुनो भाई साहब, भाई साहब ये आप ही का झूला है। कितना रुपए रहेगा इसका रेट? इसका रहेगा 30 रुपए 40 रुपए। अच्छा बढ़ जाएगा क्या, जैसा भीड़ होगी वैसा पैसा भी बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पालकी है, कहाँ लवा जा रहा है भैया, किससे मिलवाने लवा जा रहा है हो? तो अभी हम इनके ओनर से मिलते हैं जिनका झूला है। तो और भी देखते हैं यहाँ पर कच्ची सड़क थी जो कि पक्की हो गई है, सड़क बन गई है यहाँ की। यहाँ पर हर साल लगता था आइसक्रीम का ठेला, तो लगा हुआ है यहाँ पर। हनी भाई यहाँ पर एक साइड गाड़ी रोको यहाँ पर। भाई मैंने देखा यहाँ मिक्की माउस तो चालू हो गया, देख सकते हैं आप, ये तो चालू हो गया यहाँ पर। हाँ तो देख सकते हैं किस प्रकार से, क्यों क्या हुआ, मैटर नहीं करती है। अरे कोई भाई, एक भी जाली अगर घूम गई हाँ तो गिर जाएंगे, गाड़ी उठा ले हमारे, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई। तो देख सकते हैं आप यहाँ भी झूला लग रहा है, एक वो वहाँ पर लगा है, एक कहाँ पर लगा है, अभी काम चल रहा है यहाँ का। तो ये थोड़ा भाई उस झूले से बड़ा होने वाला है, इसमें देख सकते हैं। और बता दें यहाँ पर नाव भी है, और एक और झूला है भाई, इसकी टिकट तो 50 रुपये कर दी इन्हें, पहले ही लगा दिया, इसलिए पहले लगा दिया तो इसकी 50 रुपये टिकट हो गई। देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। और भी भाई ये क्या बन रहा भाई, और भी हम, मुझे ऐसा लगता है देखो ट्रक से सामान निकल रहा है, और भी यहाँ पर ट्रेन वगैरह मुख्य चीज़ें रहने वाली हैं मेले में, सामान तो उतर रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भाई बच्चे लोग तो अभी से टिकट कटवा के कूद रहे हैं भाई। और छोटू तुम नहीं जा रहा उसमें?
तो भाई बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस साल तो बहुत मजा आने वाला है। मजा आने वाला है भाई, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ यहाँ रात ढकने तक की जगह नहीं जाती यहाँ। और यहाँ पर भाई पहले मैंने देखा था कि यहाँ पर रोड नहीं बना था, क्योंकि मैंने पहले यहाँ देखा था रोड नहीं बना था। पहले मुरम लगी, मुरम लगी थी तो चलते नहीं बनता था रोडों पे। अब तो भाई सही हो गया ना, यहाँ पर चलते ही बनेगा और स्पेस भी हो गया है। यूट्यूब की भैया यूट्यूब की का नाम से चैनल है आपको? सिद्धार्थ देवरी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। तो यहाँ पर नाव है, ये लग चुकी है। इसका भी रेट भाई डबल है, 50 रुपये। इसका भी 50 रुपये, क्योंकि इनने पहले लगा लिए थे तो इसका रेट बढ़ा दिया भाई। उसका पूछा था 30 रुपये था, इसका भी पूछा नहीं है। ये मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा झूला है, क्यों है नहीं? ये सबसे बड़ा यहाँ हर साल लगभग यहाँ पर यही झूला लगता है, बड़ा वाला यही लगता है हर साल। बहुत सालों से भी लग रहा था, 10-15 सालों से यही झूला लगता है, यही बड़ा वाला झूला। जगह की बहुत कमी है, इसलिए कम झूले आए हैं ना, बहुत झूले हो जाते हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर और भी दे सामान उतर रहा है, और भी झूले लगेंगे। हाँ, ट्रेन लगेगी, वो लगेगा, ब्रेक डांस लगेगा, ट्रेन लगेगी, और भी एक दो आइटम है जो कि नए आने वाले हैं। मिक्की माउस आएगा भी। हाँ, मिक्की माउस की तो जगह नहीं दिख रही, वो भी आएगा। बट तो और भी देखते हैं अपन यहाँ पर भाई। हर साल भाई पता है हर साल यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान है भाई, बहुत स्पेस की कमी हो गई। हाँ भाई, और पता है यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान क्यों लगती है पता है नहीं भाई? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ले लो, कोई भी अपना रिलेटिव है, अपन को नहीं झूलना झूला, उसको झूलना है तो वो जाए अपन यहाँ बैठ के अच्छी आइसक्रीम खाओ तो भाई मेले का मजा लो, इसलिए यहाँ पर लगती है दुकान है। तो भाई यहाँ पर झूले भी हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर, अभी से देखने में आ रहा है। तो फिर तो 8-10 दिन बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, और भी बताते हैं मेले में और क्या क्या है, तो चलते हैं। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं, और भी देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या दुकानें लग चुकी हैं और कौन कौन दुकानें लगनी अभी बाकी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे महेंद्र भाई की दुकान लग रही है, और भी देखो यहाँ पर लग रही हैं, ये दुकानें बन रही हैं। कहने का मतलब ये भाई, तैयारी तो फुल है, ये कल तक हनी क्यों बन जाएगा ना, कल तक तो बिल्कुल पूरी दुकानें रेडी हो जाएंगी भाई, मेला बनने लगेगा। कल से मेला लगने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर जूते चप्पलों की दुकान और भी सब दुकानें लगनी चालू हैं और लग जाएंगी रात तक। में ऐसा लग रहा है भाई कल सुबह मेला आओगे ना तो पूरी दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर लगी। हाँ, तो भाई जिस किसी को भी आना है तो पहले आए 10:30-11:12 बजे तक, तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ होने वाली है और यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आपने अभी देखा, देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ नहीं है। अभी मैं 1-2 दिन में बताऊँगा, जब ज़्यादा भीड़ पड़ने लगेगी जब मैं बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक बाहर तक दुकानें लगी हुई हैं, और ये भीड़ यहाँ सीमित नहीं रहती है, ये भीड़ यहाँ पर सीमित नहीं रहती है। नगर पालिका तक भीड़ रहती है इसकी मेले की, क्यों नहीं रहती है कि नहीं रहती? पूरी देवरी में वहाँ से यहाँ पर नगर पालिका, यहाँ भाई मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ सामने कोई नहीं दिख रहा ना भीड़ है। और देख सकते हैं आने वाले समय में 1-2 दिन में जब मेला लगेगा तो यहाँ नगर पालिका तक भीड़ रहेगी, और वहाँ से छोटेगढ़ तक पूरी देवरी बिल्कुल भीड़ रहती है भाई मेले में। तो मजा आने वाला है इस बार। अभी हम चलते हैं घर,